back to my channel. Hope you are doing well. अगर आपके चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. और आज है पहली अरग, तो आज वो आपको देख के मिलेगा कि क्या क्या होता है पहली अरग में, कैसे क्या होता है, क्या क्या करते हैं, तो वो चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी अच्छे से. तो आप इस ब्लॉग में ऐसे बने रहना. और आज का OTT मेरा ये है, मैंने रेड सूट पहना है चिकनकारी का, तो वो ये है आज. तो आपको मैं बताना कैसा है आज का OTT. तो बाकी अब चलो लेट्स गो, देखते हैं आज क्या क्या होता है. पहली अरग है आज शाम वाला, तो काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको देख के मिलेगा. अभी सूप को सजाया जा रहा है, तो वो चीज़ मैं आपको शेयर करूँगी. आप देखो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है. ब्लॉग मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था 4 o'clock मॉर्निंग में, क्योंकि आज मतलब ठेकवा और लड्डू बनता है, तो वो चीज़ मैंने सुबह ही रिकॉर्ड कर ली थी, तो वो मैं इसमें अपलोड कर दूँगी वो क्लिप, तो वो देख लेना. बाकी अभी से स्टार्ट हो रहा है सूप सजाना, तो अभी सबको मिल के सूप सजाएंगे, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा. तो चलो गाइस लेट्स गो, देखते हैं कैसे क्या होता है. बाकी जरूर कमेंट बताना मैं ओ चीज कैसा लगा. मैंने रेड कलर का चिकनकारी वाला वर्क कर लिया था, कॉटन कुर्ता. गाइस तो ये क्लिप मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, ये सुबह की है 2 बजे की, मैंने टाइम भी मेंशन कर दिया, क्योंकि अब ऐसा होता है कि जो पहली अरग का दिन होता है वो पूरा चला जाता है सूप सजावट में, सूप को अच्छे से बांधने में, तो वो भी चला जाता है. तो इसलिए रात खड़ना ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तो अभी 2 AM मतलब 2 बजे सब उठ जाते हैं मॉर्निंग में, लेडीज़ वगैरह पड़ोस से भी आती है हेल्प के लिए, क्योंकि क्वान्टिटी भी ज़्यादा बनती है तो हेल्प तो चाहिए होता है, तो सब आते हैं खमोनी और लड्डू बनाने के लिए घर पर. तो ऐसे सबको आ गए हैं, अभी 2 बज रही है, 2 या 2:30 बज रहा था मैंने जब क्लिप रिकॉर्ड करी थी, तो सब आए थे और ठेकुआ बन रहा था, तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है इस समय, इतनी अच्छी खुशबू, इतना सोना सोना सब कुछ महक आता है, बहुत अच्छा लगता है. तो ये तभी बन रही थी, 2 बजे का रात है ये, तो सब बना रहे हैं ये लड़ुआ और खमोनी. लड्डू कहीं पे लड्डू बोलते हैं, कहीं तो हमारे यहाँ लड़ुआ बोलते हैं, और खमोनी भी बोलते हैं, ठेकुआ भी बोलते हैं. तो जिनको जो खमोनी बोलते हैं वो खमोनी, जो ठेकुआ बोलते हैं वो ठेकुआ, हमारे यहाँ पर ज़्यादा ठेकुआ बोलते हैं सबको बिहार में. तो आप ये देख सकते हो सारा क्लिप, ये देखो आप एंजॉय करो कि हम कैसे ये ठेकुआ वाला सब कुछ करते हैं, कैसे क्या होता है. तो ये मेरी मम्मी भी उठ जाती है पहले ही, ताकि सबको देख सके, सबको कैसा क्या बन रहा है, तो वो बैठी रहती है, वो देखती है. तो मतलब मॉम का तो बोलना पड़ेगा, मतलब लाइक दिन भर का फास्ट, मतलब 2-3 दिन का फास्ट होता है, फिर भी ऐसे उठ के बैठ जाती हैं ताकि देखते रहे, ताकि किसी को मतलब बोर ना लगे, फटाफट सब मतलब अच्छे से काम करते रहे. तो मॉम भी उठ जाती है और देखती हैं अच्छे से. तो ये लड्डू बन रहा है, मतलब जो लड़वा बोलते हैं वो बन रहा है. तो अभी बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया है, एंड देन इसके बाद स्टार्ट होगा सूप सजावट. तो अभी सूप पूरा मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड करा है, सूप सजावट का कैसे कैसे मतलब क्या डलता है, कैसे क्या होता है. तो मैंने फास्ट कर दिया वीडियो, बट आप अच्छे से देख सकते हो उसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने उसको फास्ट फॉर्मेट में डाल दिया. तो आप वो चीज़ देखो अच्छे से और इन्जॉय करो कैसे होता है सूप सजावट बिहार में, मतलब छठ में जो सूप चढ़ाते हैं, तो वो चीज़ आप देखो अच्छे से कैसे होता है. गाइस ये वाला जो था वो डन हो गया है, अब नेक्स्ट सूप की बारी आएगी, क्योंकि टोटल हमारे यहाँ 25 या 28 सूप होता है, मतलब कोई कोई और भी करवाते हैं, तो उसका मिला के सारे सूप का सजावट यहीं पे होता है, तो काफ़ी टाइम जाता है इसमें भी. तो अभी ये वाला रो कंप्लीट हो गया है, देन उसके बाद दूसरा रो स्टार्ट होगा, तो काफ़ी लंबा चलता है ये. तो आप अच्छे से देखो और इन्जॉय करो, मतलब सूप सजावट का मैंने पूरा प्रॉपर क्लिप लिया है, कि मतलब फल वल धो वो के कैसे, मतलब उसमें सिंदूर वंदूर जो भी जो फल चढ़ाते हैं कैसे कैसे होता है, जो सूप का मसाला होता है कैसे क्या
क्या डलता है, जो खमोनी और वो बना हुआ था तो उसका कैसे यूज़ होता है, उसको कैसे चढ़ाया जाता है, वो चीज़ सारा कुछ मैंने वो रिकॉर्ड किया है। तो वो आप अच्छे से देखो और इन्जॉय करो। काफ़ी अच्छा, मतलब बिहार का महापर्व ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही श्रद्धा से मतलब सब कुछ किया जाता है। तो बहुत ही अच्छे से ये पूरा फेस्टिवल जाता है, मतलब ना मज़ा आता है ना बिहार में। मतलब ये 4 दिन अगर आप बिहार में आके इस फेस्टिवल को एंजॉय करोगे तो मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी आप ये वाला मेरा क्लिप एंजॉय करो अच्छे से, सूप का जो मैंने पूरा डाला है ये देखो आप, ये जो ठेकुआ मम्मी अभी उठा रही है तो ये मॉम ही मेरा सजाती है ये सारा सूप। तो ये ठेकुआ है और ये ठेकुआ को ऐसे सिंदूर लगा के सूप में डाला जाता है, उसको बिना सिंदूर के नहीं डालते हमारे यहाँ। लड्डू को भी सिंदूर लगा के उसको चढ़ाया जाता है, तो वो ऐसे ही मतलब ऐसी ही होती है सूप की सजावट, तो उसमें सिंदूर लगा के ही उसको डाला जाता है, विदाउट सिंदूर मतलब नहीं डाल सकते इसमें, तो ये मान्यता है यहाँ की। तो बहुत ही अच्छे से सारा फल प्रॉपर तरीके से धुल के मतलब अच्छे से उसके सूप का मसाला नारियल में सिंदूर हल्दी वल्दी लगा के बहुत अच्छे से मतलब पूरा रखा जाता है। तो आप अच्छे से क्लिप इंजॉय करो, देखो कैसे क्या करते हैं अच्छे से। और गाइज अगर कोई मतलब होता है जो ठेकुआ नहीं बना पाते हैं मतलब कोई रीज़न की वजह से, वो ये वाला यूज़ करते हैं। मतलब मार्केट में चीनी का ये बना बनाया मिलता है सांचा, बहुत ही मतलब जिन जो नहीं बनाते वो ये यूज़ करते हैं अपने सूप के लिए। तो अभी सारा डाला हमारा रेडी हो गया है, सारा पैक सारा शूट हो गया है। अब हम रेडी होंगे थोड़ी देर बाद जाने के लिए घाट पे, फिर वहाँ पे सारा डाला हो गया सेट, पैक हो गया सारा कुछ डन, और थोड़ी देर में निकलेंगे हम घाट के लिए और घाट पे जाएंगे और वहाँ पे अभी शाम वाला आ रहा होगा, दिन कल होगा सुबह वाला आ रहा, उसको इंजॉय करेंगे। और आप भी देखते रहो ब्लॉग और सारा ब्लॉग में कंटिन्यू ये आ रहा, सब अच्छे से देखो ब्लॉग और इंजॉय करो। ओके बाय बाय, बाकी आपको सब कुछ ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सब कुछ डन हो गया, देन उसके बाद हमने मतलब हम खाना खाने के लिए बैठ गए, फिर उसके बाद हम रेडी होंगे एंड हम जाएंगे घाट के लिए। तो चलो गाइज लेट्स गो। तो सब कोई रेडी हो गए हैं अच्छे से प्रॉपर, तो अभी हम निकल रहे हैं घर से घाट के लिए। सब डाला भी चला गया है और अभी हम जाएंगे घाट पे। हम पैदल ही जाते हैं सब लोग, मम्मी भी पैदल ही जाती है शुरू से, स्टार्टिंग से हम सब कोई पैदल ही जाते हैं घाट, मतलब कभी कुछ गाड़ी वगैरह यूज़ नहीं करा है।
थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ा ही मतलब डिस्टेंस है, तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। मॉम भी रेडी हो गई है अपनी कॉटन थ्रेड साड़ी में सुंदर से, तो ऐसे भी हम सबको अभी जा रहे हैं मिलके, तो अब इंजॉय करो क्लिप सारा कैसे कैसे क्या होता है। बहुत ज्यादा है, जींद ऊपर उठा लो, फोन ला, फोन दे दो किसी को यार। अभी बैग कहाँ रखे? तो गाइस, तो ऐसे स्टार्ट होता है। पहले जो लेडीज होती हैं वो जो मतलब छठ पूजा कर रही हैं उनके ऐसे आंचल में ऐसे हल्दी वगैरह लगा के, सिंदूर लगा के, देन सूप का अर्घ स्टार्ट होता है। मतलब सूप वहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं, ऐसे पांच सुपारी लगा के अच्छे से प्रॉपर, तो आप वो देखो और कंटिन्यू इंजॉय करो।
सफाई सब कुछ हो गया डन, और मैंने ये वीडियो स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर ली और मेरे को ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ। बाद में जब मैंने वीडियो देखा तो आई थॉट देखा कि ये स्लो मोशन में रिकॉर्ड हुआ है, तो ये वीडियो मैंने डाल दी है। अब भी इंजॉय करो स्लोमो वीडियो, अब हो गया तो क्यों ही वेस्ट करना, डाल दो अब इंजॉय करो ये स्लोमो। तो सब कुछ डन हो गया बहुत अच्छे से, सूप में सब सूप सारे सूप में अर्घ डल गया बहुत ही अच्छे से। तो अभी होता है कि सूर्य अस्त का पूजा करते हैं हम, मतलब सूर्य डूबते हैं उस टाइम का पूजा करते हैं, और कल जो आएंगे मॉर्निंग में तो वो जब सूर्य उगने वाला होता है तब पूजा करने आते हैं। ऐसे होता है शाम का अर्घ जो मैं अभी ही, मतलब मॉम का फेस भी अभी उस साइड है, मॉर्निंग में करने आएंगे तो मॉम का फेस इस तरफ हो जाएगा, मतलब जिधर सूप सजा हुआ है उस तरफ हो जाएगा। तो ये मतलब फेस का भी होता है कि शाम में इस तरफ रखना होता है और सुबह इस तरफ, तो बहुत ही मान्यता होती है और बहुत ही अच्छे से मतलब पूजा करना होता है। बाकी सारा क्लिप मैंने आपको दिखाया है जिससे आपको पता चलेगा कि छठ पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं बिहार में। तो अभी आप इंजॉय करो और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, बाकी आप ये क्लिप्स इंजॉय करो अच्छे से। सब कुछ डन हो गया है, जैसे मानते हैं जो मतलब जो ये व्रत रखती हैं, जो ये छठ का जो पूजा करती है उसे पर्वतिन बोलते हैं। तो उन वो जो पहनी होती है वो साड़ी, उनको मतलब धोना मतलब ऐसे काफ़ी पुण्य भी होता है और ये चीज़ करनी भी चाहिए। और जो वो साड़ी पहनी होती है उनको अगर आप जैसे आपको किसी तकलीफ हो तो आप उसको अच्छे से मतलब उस साड़ी के पल्लू से उसको पोंछने से वो दुख मतलब ख़त्म हो जाता है ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज़ की भी काफ़ी मान्यता है। तो अभी मेरे भाई मिल के वो साड़ी को अच्छे से मतलब धो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ हम मतलब करते हैं, बहुत ही हमें मतलब अच्छा लगता है ये, हम मतलब हमारे में तो ऐसा होता है कि हम मतलब सब पागल हो जाते हैं धोने के लिए मतलब ये साड़ी। तो काफ़ी अच्छा लगता है अभी तीनों मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया है, तो अभी डन हो गया है। तो मामू पर चली गई हैं साड़ी चेंज करने के लिए, तो अभी आप भी आप क्लिप इंजॉय करो, देन अभी उसके लिए घर निकलेंगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी वीडियो में। घर पहुंच गए हैं बहुत ही अच्छे से। तो अभी हो रहा है कि जैसे मॉम का अभी बहुत यहाँ लाइट बहुत कम थी तो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट अभी थोड़ी देर में लाइट कोई ऑन कर देगा। तो अभी यहाँ पे पैर धो रहे हैं सारे मिलके, मॉम का घर पहुंच गए तो पैर धोंगे एंड देन मॉम अंदर एंट्री करेगी। तो ये थी आज का शाम का पूरा ब्लॉग। तो गाइज सब कुछ डन हो गया और ये कल सुबह मॉर्निंग के लिए ये सब कुछ कटिंग सेटिंग हो रहा है, तो कल मैं दिखाऊंगी कल मॉर्निंग वाले रंग में क्या होता है। तो ओके गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।